दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारी YouTube चैनल दालचीनी नॉलेज में एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों मैं आज बात करूंगा आप लोगों से बैचलर ऑफ एजुकेशन की। गाइस पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारी न्यूज़पेपर में बहुत सारी दिक्कतें स्टूडेंट के थ्रू बताई जा रही हैं कि जो बच्चे 2018 और 20 बैचलर ऑफ एजुकेशन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपना जो बीएड का सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। गाइज आप ये मान के चलिए नियर अबाउट 50-60% जो स्टूडेंट्स हैं टोटल बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकंड ईयर के, उनके एग्ज़ाम्स में हर दिन कोई ना कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो रही है। किसी बच्चे को पिन नहीं मिल रहा है, किसी का पिन काम नहीं कर रहा है, किसी का UMC हो रहा है, किसी का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हर बच्चे का अलग अलग प्रॉब्लम हो रहा है। तो गाइज देखिए, अभी जो बच्चे मेरे को फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं या कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं कि सर आप प्लीज़ एक बार बताइए कि आगे क्या होगा। तो गाइज देखिए, अभी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं जारी किया है, बट डेली न्यूज़पेपर में और जो मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं उसमें जो कंट्रोलर हैं हमारे MDU यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बताया कि एक बार इन बच्चों के एग्ज़ाम्स को हो जाने दीजिए, उसके बाद हमारी जो कमेटी है वो बैठ गई है। जिन बच्चों का टेक्निकली प्रॉब्लम या यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई दिक्कत या प्रॉब्लम है और हमें पता चला कि इस बच्चे को ये दिक्कत हुआ है, तो उन बच्चों के एग्ज़ाम क्या दोबारा से कराए जा सकते हैं। तो गाइज अभी कोई पब्लिकली नोटिस तो नहीं आया है, और क्या पैरामीटर रहेगा इन लोगों का मेजर करने का कि बच्चे का जो एग्ज़ाम रहा है वो किस रीजन से और किस प्रॉब्लम से रहा है, तो गाइज ये लोग तो बताएंगे कुछ दिन बाद। बट मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर किसी भी बच्चे को ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुए आपके MCQs उसमें किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है या प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ जो MDU का जो एक ऑफिशियल जो मेल है जिस पर जो एग्ज़ाम्स के ड्यूरिंग जो दिया गया है उस पर अपनी प्रॉब्लम, अपना रजिस्ट्रेशन, अपना रोल नंबर लिख के आप उनको भेज दो, ताकि आप लोगों के पास एक प्रूफ रहे कि आपने उसको भेजा है। क्योंकि लास्ट में ऐसा ही होगा, यूनिवर्सिटी मेल वगैरह सारा डेटा निकाल के ही क्या उसको फाइंड आउट करेगी कि एग्जैक्टली बच्चों का रीज़न क्या है और क्यों बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हो पाए। तो गाइज चलो एक बार मैं स्क्रीन पर आपको लोग ले चलता हूँ और वहाँ पर दिखाऊँगा कि कुछ टाइम पहले ऐसे ही काफ़ी एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम हुआ था और उन बच्चों का एग्ज़ाम दोबारा से लिया गया था। तो चलिए गाइज एक बार स्क्रीन पर, तो गाइज देखिए मैं आप लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए, ये एक नोटिस निकाला था 23/10/2020 को, तो ये स्पेशल एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन फॉर BSc पास केमिस्ट्री, यानी कि जिन बच्चों ने जो BSc फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स थे गाइज उनके दो एग्ज़ाम थे। आप यहाँ पर एग्ज़ाम देख भी सकते हैं, फर्स्ट है केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री पी लाइक समथिंग और केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है गाइज। तो ये दो एग्ज़ाम्स हैं जिनका शेड्यूल दोबारा से यूनिवर्सिटी ने लिया गया, और ऊपर लिखा भी है स्पेशल एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन, और यहाँ पर लिखा है इट इज़ हेयर बाय नोटिफाई फॉर द ऑल स्टूडेंट कंसर्न ड्यू टू द, यानी कि किसी भी बच्चे का एडमिशन रीजन से, यानी यूनिवर्सिटी के बेस पर किसी भी बच्चे का कोई MCQs एग्ज़ाम के अंदर कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आई है टेक्निकल रीजन से, तो उसके चलते हम लोगों ने उन बच्चों को एक स्पेशल चांस भी दे रहे हैं कि उन बच्चों का एग्ज़ाम हो। तो गाइज ये जो न्यूज़ है, जो ये एक नोटिफिकेशन है, आप लोगों को थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन दे सकता है कि आज आप लोगों के सभी बीएड के बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, और जिस भी बच्चे का जो भी प्रॉब्लम है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से उन सभी को क्या है आप मेल करो, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत या इस प्रकार की जो है प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो। तो गाइज बैक टू द स्क्रीन, तो गाइज आपने देखा कि किस प्रकार से आप लोगों को भी चांस मिल सकता है। अब यूनिवर्सिटी वो चांस आपको कैसे और किस एंगल से देगी वो देखने वाली बात है। तो गाइज ये हमारा आज का वीडियो था, और वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसको लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना, और आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल, आपका जो भी रीज़न है कंसर्न गाइज डरना नहीं है किसी चीज़ को लेके, जो भी आप लोगों के साथ हुआ है उस पर आप मेल पर पूरा अपना ब्यौरा लिखें, सब कुछ रजिस्ट्रेशन रोल नंबर, क्या आपने स्क्रीनशॉट अगर लिया तो वो भी आप भेजिए। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी इस चीज़ को इग्नोर करेगी या उसको डिनाई करेगी, बस आपको एक स्टेप लेना है, बाकी जो प्रेशर रहेगा स्टूडेंट्स का डेली वहाँ पर जो है प्रॉब्लम भी हो रही है, स्टूडेंट्स काफ़ी इकट्ठे भी हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए गाइस, डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प होगी। तो प्लीज़ आज की वीडियो यही थी, थैंक यू सो मच।